बच्चों लास्ट टाइम पर हम लोग पढ़ रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और इसमें बेंजोइक एसिड। तो हमने उन लोगों ने जो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको भी डिस्कस किया था और जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उनको भी डिस्कस किया था। और इसके पश्चात इसमें लास्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं ऑक्सैलिक एसिड के बारे में। ऑक्सैलिक एसिड जिसमें कि कार्बोक्सिलिक एसिड COOH के मतलब दो समूह लगे हुए हैं, दो है COOH सिंगल बॉन्ड COOH। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड को लैब में कैसे बनाया जाता है और कॉमर्शियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर ऑक्सैलिक एसिड को कैसे बनाते हैं। तो इसमें ऑक्सैलिक एसिड इसका फार्मूला, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अनुसूत होता है H2C2O4 और स्ट्रक्चरल फार्मूला COOH सिंगल बॉन्ड COOH। यहाँ पर ऑक्सैलिक एसिड का IUPAC नाम होगा एथेन एथेन डाइओक एसिड। COOH दो ग्रुप लगे हुए तो ये डाइओक हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है? ओक एसिड, और दो लगे हैं तो ये डाइओक एसिड हो जाएगा। तो ये एथेन डाइओक एसिड IUPAC नाम। इसको लैब में प्रयोगशाला में कैसे तैयार करते हैं? लैब में तैयार करने के लिए इसमें ये C12H22O11 क्या है? शुगर, या इसको सुक्रोज भी कहते हैं, शुगर या सुक्रोज का फॉर्मूला होता है या चीनी है C12H22O11। तो इसको नाइट्रिक एसिड कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड HNO3 और वेनेडियम पेंटोक्साइड इनकी प्रेजेंस में इसको ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटोक्साइड की रिएक्शन से ही प्राप्त होता है नेसेंट ऑक्सीजन या नवजात ऑक्सीजन। तो ये नवजात ऑक्सीजन की शुगर या सुक्रोज से रिएक्शन होती है तो ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। तो ये जो लिक्विड के फॉर्म में होता है तो जैसे ठंडा कर लेते हैं, ठंडा करने पर ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं और जल अलग हो जाता है। क्रिस्टल को हम छान करके अलग कर लेते हैं। इसी के पश्चात ये तो लैब प्रोसेस है, लैब में सुक्रोज की ऑक्सीडेशन कराते हैं नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप हमको ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। अब कॉमर्शियल लेवल पर औद्योगिक स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर इसको कैसे बनाते हैं ऑक्सैलिक एसिड को? तो ये सोडियम फॉर्मेट SCOONA क्या है? सोडियम फॉर्मेट, इसको 623 केल्विन पर हीट करते हैं तो सोडियम ऑक्सैलेट प्राप्त हो जाता है। सोडियम फॉर्मेट को पर गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्सैलेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है। फिर सोडियम ऑक्सैलेट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, गर्म करते हैं। तो सोडियम ऑक्सैलेट के कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने पर ये कैल्शियम ऑक्सैलेट प्राप्त हो जाता है और सोडियम क्लोराइड। और इसके पश्चात कैल्शियम ऑक्सैलेट को सल्फ्यूरिक एसिड के संग रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम, ये कैल्शियम सल्फेट प्राप्त हो जाता है और ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यापारिक स्तर पर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड कैसे प्राप्त किया जाता है? इसको प्राप्त करते हैं सोडियम फॉर्मेट को पहले गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्सैलेट प्राप्त हो जाता है और सोडियम ऑक्सैलेट की रिएक्शन
कैल्शियम क्लोराइड से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सलेट प्राप्त हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्सलेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड को व्यापारिक स्तर पर कैसे हम लोग तैयार करते हैं। इसके पश्चात इसको साइनोजन सीएन सिंगल बॉन्ड सीएन, साइनाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या है सीएन, कार्बन और नाइट्रोजन सीएन, तो दो सीएन आपस में जुड़े हैं तो इसे साइनोजन कहते हैं साइनोजन। इस साइनोजन की कंपाउंड की रिएक्शन यौगिक की अभिक्रिया जल से कराते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है और अमोनिया गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड किन किन विधियों द्वारा प्राप्त होता है, लैब में प्राप्त करते हैं किससे सुक्रोज से, सुक्रोज का ऑक्सीकरण कराते हैं किसकी प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड और वेनेडियम पेंटोक्साइड की प्रेजेंस में, तो ऑक्सैलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। और इसके पश्चात व्यापारिक स्तर पर बनाने के लिए सोडियम फॉर्मेट को गर्म करते हैं तो सोडियम ऑक्सैलेट प्राप्त हो जाता है, और सोडियम ऑक्सैलेट की रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड से कराते हैं तो कैल्शियम ऑक्सैलेट प्राप्त हो जाता है, और फिर इसके पश्चात कैल्शियम ऑक्सैलेट की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं। और इसके पश्चात जो तीसरा मेथड है इसमें साइनोजन की रिएक्शन जल से कराते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थित में, तो ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल्स प्राप्त हो जाते हैं और अमोनिया गैस मुक्त हो जाती है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड प्रयोगशाला में व्यापारिक स्तर पर और इसमें साइनोजन से कैसे प्राप्त होते हैं वो हमने डिस्कस किया। इसके पश्चात इसमें जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, भौतिक गुण क्या होते हैं, भौतिक गुण या फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑक्सैलिक एसिड कैसा होता है कलरलेस, रंगहीन होता है, इसका कोई रंग नहीं होता है, गंधहीन भी होता है, इसकी कोई विशेष प्रकार की गंध भी नहीं होती, स्मेल नहीं होती है, और ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस है, क्रिस्टलीय पदार्थ है, और इसमें जो क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या होती है दो होती है, मतलब COOH सिंगल बॉन्ड COOH और इसके साथ डॉट (2H2O), मतलब इसमें क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या दो होती है, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है गलनांक है वो 374.5 केल्विन होता है, 374.5 केल्विन होता है, और जो कि जिसमें क्रिस्टलाइन जल होता है, और अगर क्रिस्टलाइन जल उसका निकाल दें तो जो निर्जल ऑक्सैलिक एसिड होता है या एनहाइड्रस, निर्जल को इंग्लिश में कहते हैं एनहाइड्रस क्रिस्टलीय जल होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 462.5 केल्विन होता है। ऑक्सैलिक एसिड जल में और अल्कोहल में घुल जाता है, जल में भी घुल जाता है और अल्कोहल में भी डिसॉल्व होता है, लेकिन ये ईथर में डिसॉल्व नहीं होता है, जबकि जो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कार्बनिक यौगिक हैं वो सभी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय हो जाने चाहिए, घुल जाने चाहिए, लेकिन ऑक्सैलिक एसिड जल में घुल जाता है, अल्कोहल में भी घुल जाता है, लेकिन ईथर जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कार्बनिक विलायक है इसमें नहीं घुलता है। तो इस प्रकार से इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं भौतिक गुण हैं, भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं, यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है,
और इसमें क्रिस्टलीय जल के अणुओं की संख्या दो होती है, और इसका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक होता है 374.5 केल्विन होता है, और जो निर्जल ऑक्सैलिक एसिड होता है उसका जो गलनांक होता है मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 462.5 केल्विन होता है। यह जल और अल्कोहल में घुल जाता है लेकिन ईथर में डिजॉल्व नहीं होता है। तो इस प्रकार से ऑक्सैलिक एसिड को हम लोग कैसे बनाते हैं और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके पश्चात तो इसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे, लिखेंगे, तैयार करेंगे, और इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं ऑक्सैलिक एसिड की उसको डिस्कस करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कौन कौन सी होती हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज तो वैसे सामान्यतः वही होंगी जो हम लोग फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड और बेंजोइक एसिड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, उसी की तरह ये भी जो ऑक्सैलिक एसिड है उसकी भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इसकी जो मेन मेन प्रॉपर्टीज हैं उसको फिर से इसमें डिस्कस कर लेंगे। धन्यवाद।